वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाल ही में इरफान खान हम सभी को अलविदा कह गए, लेकिन कोई भी इरफान खान के जाने को गम को नहीं भुला पाया। इरफान खान सिर्फ 54 साल के थे, उनके तमाम फैंस सदमे में हैं। इस बीच सबके लिए खुशखबरी है और वो ये है कि इरफान खान की एक इंटरनेशनल फिल्म जल्द ही रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का नाम है मंत्रा सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। फिल्म की शूटिंग तो पहले ही हो गई थी और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म की कहानी राजस्थान के एक ऐसे सिंगर की लाइफ की जर्नी पर आधारित है जो हर किसी को अपने गाने के जरिए परेशानियों से दूर रहने की मदद करता है, लेकिन फिर उससे उसकी लाइफ बर्बाद करने वाले शख्स की याद आती है और वह सफ़र पर निकल पड़ते हैं, ऐसे सफ़र पर जिसमें वो खुद को हील कर सके। फिल्म में इरफान खान के किरदार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म में उनका किरदार काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि फिल्म में बॉलीवुड के वेटरन एक्टर वहीदा रहमान भी नज़र आएंगी और वह भी अहम किरदार में है। ना सिर्फ ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है बल्कि इरफान खान के फैंस के लिए खुशखबरी है। जल्दी दूरदर्शन ने इरफान खान के प्रसिद्ध शो श्रीकांत को हर रोज 3:30 बजे टेलीकास्ट करने का भी प्लान बनाया है। आपको बता दें फिल्म में आने से पहले इरफान सीरियल में काम किया करते थे। उनका शो श्रीकांत शरदचंद चट्टोपाध्याय की बुक पर आधारित था। इस खबर को ऑफिशियल कंफर्मेशन DD के ट्विटर हैंडल से मिली है। बीते बुधवार को इरफान खान ने हम सभी को हमेशा हमेशा के अलविदा कह दिया। कैंसर से जंग लड़कर कुछ महीने पहले लौटे थे इरफान। इस तरह अचानक चले जाएंगे किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। फॉरेस्ट गम स्टार टॉम हैंक्स ने इरफान को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया, मैं खुद को सबसे कूल समझता था, लेकिन इरफान तो कूलेस्ट शख्स निकले। एंजेलिना जोली ने भी इरफान को याद किया। भले ही इरफान आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी यादगी के जरिए और अपनी कला के जरिए वह हमेशा हमारे बीच रहेंगे और जब हम उन्हें पर्दे पर देखेंगे तो हमेशा जीवित ही पाएंगे। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या कहना हमारी वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।